जय जगन्नाथ मु ऋतु स्वागत करुचे आपण मानक आम चैनल ओडिया ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को। तो फ्रेंड्स आज हूँ सॉरी आज हूँ शुक्रवार। तो मुझे बहुत दिन गोटे वीक माने जिते लास्ट वीक रे जहाँ जहाँ वीडियो करी सब आपण मानक देली। तो एबे टिके 4-5 दिन पूरा रेस्ट नहीं थी कारण आपण मैंने भी सब कमेंट रे बतेथिले कहिथिले कि दीदी आपण टिके रेस्ट नियंतु कारण बहुत थका थका लागुचंती आ आई मोर पूरा डार्क सर्कल भी आसी जाइथिला एबे भी पूरा अच्छी देखंतु एठिना एक्चुअली गरम भी बहुत होना। तो से कम कला बेलू बहुत माने बहुत टायर्ड फील करी मु। तो थैंक यू आपण मैंने मत भल पाइबा दौंस एत कि सजेस्ट करते पर्सनाल मेसेज कर आज वीडियो कंटिन्यूसली दौ नी। तो आपण मैंने सब कमेंट रे कहते दीदी कंटिन्यूसली वीडियो दिंतु कंटिन्यूसली वीडियो तो मुझे आपण मानी कारण मोर टे अलग प्लान रोचे। तो से तो मुण मानक कितु डेली गोटे गोटे मानते एमती गोटे दिन गैप्रे गोटे गोटे वीडियो आने चेष्टा करी आपण मानी से लॉकडाउन कौन से घरे रोते मोर एत कम रोन ना। तो मुझे भावुली हाँ चलो डेली दवापाई मानने एवं मत पुणी मो प्लान चेंज हो जाए। तो से मुझे मोपाई भी टाइम दूचे सबुद भिड बनैले ना मुडियो हिं कनसेट्रेट करुच्ची जो थे कि अलग कम कौन से भी आज कनसेट्रेट करें भिड बनाओ ताक एडिट कर ताक अपलोड कर। तो मो पूरा डेटा ना वीडियो रे ही पलाऊँ। तो से चाहूँगी आटलिस्ट 3 दिन मुझे निजपाई टाइम देवी। तो से कंटिन्यूसली आउ वीडियो जानी कौन करी कौन नहीं जिते मुझे फ्री रोथी जब मन कर आज देली काली मत कि गोटे भल कंटेन्ट मिलू मुझे जाऊँगी तो मुझे अपलोड करदेवि सेमती किसी ना कि मुझे गोटे दिन छाड़ी गोटे दिन दवापाई एवं ट्राए करी केते दिन 3-4 मास खंडे एमती देवी भाई देखिया कौन हो ठीक अच्छे। तो आउ कौन कौन आपण मानक तो आज बहुत दिन पर मुझे आपई रेसीपी बनवाई जाऊँगी। एक्चुअली हाँ मुझे आप गोटे अपडेट दे था बहुत जन मत देखिकी हुए तो आउ को माने भी जदि ट्रांसफर होने तो आपण मैंने कौन फेडेक्स रे जदि जिनस पठेबे मु सजेस्ट करी पठातुनी कारण बहुत किछ मोर लॉस है बहुत देख एमती तो मुझे जिनस फिंगिक आसली जहाँ करी जी लगि ना बहुत भल भल जिनस ना मुझे फेडेक्स रे पैक कर पठेली आपण मैंने देखी भी 4 बॉक्स आसला 5 बॉक्स बेलू 5 टोटल 6 बॉक्स थी मानकर 4 बॉक्स भलि आसी जाइला टिके टिके डैमेज थी चल भावी हाँ छाड़ एत दूर आसी तो चल कि 5th वाला बॉक्स रे मोर करे फोरे सबू चेपा हो मानते जितकी अलग गुड़ाक सब आसला सबू मोर चेपा चेपी हो जो लीड गुड़ाक भांगी जापे आहरी बहुत किसी मानते सबू पर डबा फबा के पठेले से गुड़ाक सब ई हो बहुत किसी जिनस सेटा तो 5th छाड़ू जहाँ है 6th कौन करी सब मोर जी बेकिंग ट्रे फ्रेम जहाँ सब नुआ नुआ थी तो से गुड़ाक भाभी कि सेल करें ये तो आराम से सब जिन पठाऊँ। तो मुझे से सब पठेली बेकिंग ट्रे बेकिंग जी सारा सामान मोर सब से बाकी से भी सब नुआ नुआ टाइप जिनस तो से गुड़ाक आतेटा खाइबा जिनस जो गुड़ा कि गाँव रू आसला जो डाली फाली जहाँ भी जितकी आसला जोड़ाक अनओपन सबू थी फुड गुड़ाक से गुड़ाक भी मुझे पठेदी कि मुझे एत कष्ट बड़ी बनईली से बड़ी भी मोर गला मुझे डबार पठेदी बड़ी। तो भाभी कि मैंने भाभी नी मत बहुत जन सजेस्ट करें तुम पठे पार। तो से जिनसा ना से बॉक्सटा पूरा डैमेज ही हो जाइए से मैंने कहले कि आम तुम जो जगार आम पठेलु से रिटर्न कले तो आम कहल कि सेठ रिटर्न कले आम मैंने केमी किए रिसीव कर। तो से एमती तो डैमेज पूरा हो डैमेज पर क्लेम करूँ जिनस जी बहुत अधिक टाँचा थी से $100 ही देते कहीं तो जाना नहीं मैंने के रिफंड करेंगे कौन करेंगे कौन ना। तो देखा जाओ कौन हो तो मन बहुत दुख होता है एमती तो बहुत जिनस या करके आसती एमती सब जिनस भी पठेली से गुड़ाक भी डैमेज हो गुड़ाक तो पूरा छाड़ू अवस्था ना जो बक्स खोल बेलू मत लगे एमती कौन हो बक्स मैंने छिछतर होता से बक्स पूरा आउ गोटे से न डैमेज कहीकि जानते आम होम डिपो वाला बक्स ये करूँ से बक्स को ये मात्रा डैमेज मैंने से बक्स मत लगे पूरा फाटी जाने आउ गोटे बक्स ये करके लेबलिंग करके आम मैं पठे थे। तो मुझे कहली कि ये बक्स तो आम पठे नी हो ठीक अच्छे काले बक्स चेंज करते हैं भितर सब स्कानिंग करेंगे कौन करेंगे तो से बक्स ये कर भाई भितर खोला बेलू तार अवस्था ना मुझे कह सब फोटो उठाओ से पठेब
ପଠେଇଲୁ, ତାପରେ କଲ୍ କଲୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସିନି, ତ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ କି ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ନ କହିକି ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। କାରଣ ଏଠି ବେକିଂର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ। ମୁଁ ୱାଲମାର୍ଟରୁ ଆଣିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଏମିତି $15-30 ଭିତରେ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ଟିନ୍ କେକ୍ ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଯେଉଁ ମଫିନ୍ସ ଟ୍ରେ ହେଲା, ମୋର କେ ଯେଉଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି, ପ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସେଇଟା ବି ଥିଲା, ତ ସବୁ ଗଲା। ଯାହା ହବ ହବ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ତ ସେଇଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କହୁଥିଲି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିକି ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପଠେଇବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଏମିତି କେବେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଜମା ପଠାନ୍ତୁନି। ସବୁଠୁ ଭଲ ନିଜର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା, ସେଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ କରିକି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ବୁକ୍ କରିକି ପ୍ୟାକର୍ସ ମୁଭର୍ସ ବୁକ୍ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ହୁଏ, ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆମ ଘର ଏଯାଏଁ ବି କିଛି ସଜେଇନି, ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେୟାର୍ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ସଜେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ବହୁତ କଚଡ଼ା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ତ ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଦେବି ସେଇଠି। ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କରିଲେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଭଲ କରିକି ଖାଇବି, ଭାବିଛି ଆଜି ବହୁତ ଭଲସେ ହେବ କହିକି। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ପକାଇକି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରିବି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ବି କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରେସିପି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ବୁଟ ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲି ଯେଉଁଟା, ସେଟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, 3 ବାଇଗଣ କାଟିଥିଲି, 2 ଆଳୁ କାଟିଥିଲି। ସେଠି ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 3 କପ୍ ଏବେ ପାଣି ପକାଇବି, 3 କପ୍ ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇକି ଏବେ ତାକୁ 3 ସିଟି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, 2 ସିଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ଆଗ ମାଛ ଭାଜି ନେଉଛି, ତ ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ 3-4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ତେଲ ପକାଇଛି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ମାଛକୁ ଏଇଠି ଭାଜି ନେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ରହିଲେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ତା'ର ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ଯାହା ବି ନନ୍ଭେଜ୍ କରନ୍ତି ନା, ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମାଛଟା ଏବେ ଭାଜି ନେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ମୋତେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଲଟେଇ ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଲଟେଇ ନେଉଛି। ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବି ସେମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିନେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ଭଲସେ ହୋଇଯାଇଛି, ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜିଯାଇଛି, ଏଇ ତେଲଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1.5 ଟିସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ନେଇଥିଲି, ସେଠି 1.5 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକାଇଲି, କାଟିକି ରଖିଥିଲି କିଛିଟା ଶୁଖିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2 ପକାଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ପକାଇଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଛି।
तो फ्रेंड्स सेठी मु पियाजर कलर चेंज हो सारा पर वन एंड हाफ टेबुल स्पून आपड़ देखिकी जापरथे मुझे अदा रसुण पेस्ट पकई बट कैमरा ऑफ थी तो मुझे देखे पारे आपण मूँ ये वन एंड हाफ टी स्पून अदा रसुण पेस्ट पकेली सेटा फ्राए हो सारापर मुझे टमाटो ये पकाऊँ टमाटो भलसे सीझापी आम ये स्वाद हिसाब से लुण पकईवा आगुरी हल्दी पकई थी मुझे जो सीझे पर जस्ट पिंच ऑफ हल्दी पकेली तापरे मुझे वन टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर पकेली वन टी स्पून जीरा पाउडर पकेली भलसे एवं देखते सब पियाज अदा रसुण पेस्ट आ टमाटो सहित भलसे मिक्स कर नौ गोटे रु दि मिनिट पर्यंत मैंने फ्राए करवा टिके टमाटोटा सॉफ्ट हेला पर्यंत ढांकुणी कभर करिवनी सेमिति खोला रखिकी ही गोटे दि मिनिट पर्यंत भलसे चलेलेनी तापरे एवं देखते टमाटोटा टिके आमर सॉफ्ट आसला मुझ आगु करदेली कि खड़ा गोटा तर खड़ा गुड़ाक काढ़ी रखीदी तो आज पकईदेली बहुत बढ़िया लगे मुझे जाणी तो खड़ा पकईकि भलसे कसी नौचे जमी खड़ा गुड़ाक भलसे सॉफ्ट होकर कभर ढांकी की गोटे रु दि मिनिट पर्यंत रखीदी दि मिनिट हो सारा तो ताकि कंटिन्यूसली टी कसी नौ मसला सहित भलसे कसी सारापर आम जोटा डाली जो चना डाली आईगण आलु को सीझे मु पकईने जदि कखारु थी कखारु पकेबे आउरी बहुत बढ़िया लगे अरे कखारु नथिला तो जेती से कली एतिक्रे ही बास्ना पूरा कंपी आसूँ तो मुझे भलसे कसी नेली एठी मु तीन कप पानी पकेली पानी पके सला परे ताको भलसे मिक्स कर नौची तापरे लास्ट रे टिके गरम मसला पकेगे कवर ढांकी की आमे तीन मिनिट पर्यंत छाड़नावा ताकि पानीटा टिके भलसे फुटी जाओ ता पूर्वर माछ जो देखंतु भाजिक रखिले ताकु माने एंती हातरे ही ताकु छोट छोट करी भांगी देथिली ता माछटा को पकई कि तापरे आमे लिड कवर करके ताकु 3 मिनिट पर्यंत छाड़ दवा टिके भलसे बॉईल हो जाबा पई ग्रेविटा टिके मोटा हो जाबो तो एबे कवर करके छाड़ दउछी मु तो फ्रेंड्स 3 मिनिट हो सारा तो देखो ग्रेवी बहुत भलसे हो जाए लास्ट रे टिके जो धनिया पत्र आम मैंने पकईदे पकईकि भलसे मिक्स कर नवा तापरे आम गैस ऑफ करदे हाय फ्रेंड्स तो बहुत दिन हो गलानी आम मैंने कथा ही ना तो आज ही आम जिनस जमी ऋतु कहले कटा कहीं भल आमर जमती जिनस ऋतु कहले फेडेक्स रु आसी जा गोटे बैग गायब एपर्त पहुँची आउ जहाँ जहाँ बासन कुसन आसचे तो फिलहाल फिर भी जी अच्छे अलग किण पड़ो तो आज कराई माछ मुंड घाटा कराला आज मुंड आज पकईकि आज होचुअली बुट डाले घाटा मत आकचुअली बंधाकोबी घाट आपने खाई मानने आपण को भी भल सरी आपने देखी सरी 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 बोझ को बंधाकोबी घाट भल लगे मुँह भी खाई दिए मोर सेमती खाइबारे ये ना कि बंधाकोबी घाट टू बुट डाली घाटटार टेस्ट अधिका कहीं जेहेतु डाली डाली रहा मैंने टी चिंगुड़ी डाली अपेक्षा मत मछर ये डालीटा मत बे भल लगे तो हाँ तो आज है तो देखा ए बसीचि ये बस खाइबा ए तरकारीटा रेडी है भातटा बस चे तो है मानने खिया हे तो तापर टी आम देखद मास्टर शेफ ऋतु मैडम मुया देखा चाहिए पिंधिच मान रोसे बेले ठीक अच्छे रोसे सारे कहीं पिंच ड्रेस गुडा जो व्हाइट कलर ड्रेस पिंधे किसी पिंधे ना जो तेल छिटका पड़ पड़ना से तेल फेल कौन पकाल कल पालक पकुड़ी छाड़ा से पूरा पालक रु पानी बाहर छिटकी पिंधि
ठीक अछि फ्रेंड्स त चलन त फोन परे कथा हबा खाइ के त एकथरे कथा हबा खाइला बेला हम कथा हबा आपन त देखिले तळे बसी खाइयो पुछि आउ बसी तळे खाइला उ टिके बेसी तबरे खाइ गेला बल को भी कथा त लागो बहुत जों भल लागने त हमरा ना तबरे तळे के बसी खाइ होई की कथा हे डाइनिंग टेबल पर खाइला तो माने कथा हवा पे खाया पे खाया पे तळ बेस्ट दिन नै कथा ला बेला से कोन डाइनिंग टेबल थिले के रखी की कथा यो से कथा ए ऊपर तळवा हे यो कथा यो नी आ गोटे कोन कहथली म अपन मन हा हाथ काट छी सेती को क्या मु जे तळे क्या डर त आजी मु जे तळे करी तमे गप से तळे छी आ तू बस तू चार रे मु रखली वा हाथ गोड़ो सो काट छी रखो फ्रेंड्स टाटा तो फ्रेंड्स एवे हेलानी संध्या 7:30 आम मैंने घर चा फा पी गोटे जगह को आसीचु आपड़ भिडर लास्ट पर्यंत देखते जापरेंगे मत लगुच आपण मैंने भिडियो देखने से जगह को बहुत भल से एंजय करें तो उपरे देखूँ कौन जाऊँ तो सेठू आपने गेस करेंगे आम मैंने कड़े जाऊँ तो आपण मैंने देखूँ देखूँ आम मैंने आसिक से जगह पहुँची सारे तो आम मैंने एयरपोर्ट व्यूज देखापी आसीचु गोटे जगह को बहुत ही बढ़िया लगुच पूरा तो पागो एमती करी ता देह को यही सब कौन कहले एमती एयरपोर्ट रे जो प्लेन व्यूज देखापे बहुत बढ़िया लगुच पूरा मस्त टेकअप करछ त पूरा बंकी जाउ छन पूरा मस्त लगुच जो कौन भुवनेश्वर सीआरपी ए जो भुवनेश्वर हमर एयरपोर्ट छ से ठीक कॉलेज बले जो जाईथली बस माने किछि देखिया को भी पाइ नथली बट बहुत दिन पर आसिलु एमती बुलिया पे हटात बाबिलु घरे बसे बसे बोर होतलु तो हटात वाओ सेठी गोटे देख टेकअप कला से फोटो भी टेकअप करछन आज पाग भी मस्त करछन ए टाइम बड़ को खरा प्रबल हुए एक्चुअली वर्षा वर्षा डीडे होचे एंती मुखा पिन देछु रासी पूरा बहुत लोग आछन कार तो देखाउ छ बहुत लोग आसी पूरा बसछन देखो कते लोग आसी लोग कम आसी बहुत लोग आसी पूरा व्यू एंजॉय करछन तो आपण मन को भी केमती कौन लगला माने मु तो पाखरु देखी कि जति कि एन्जॉय आपण आमे करि परबा होय तो ये रे करि परबानी तो देखों तो पछर गोटे आछु म आपण मन को देखो एटा बडटा बे बड वाला फ्रेंड्स एमती टिकेट टाइम मैंने से स्पेंड कलु तापर एमने घर को फेरी जाऊ तो आज भिडियोटी आपण मैं केमती कौन लगला कौन ना कमेंट करके पक्का जनइबे भिडियो जदि चैनल नुआ थे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब बटन पाखे जो बेल आइकन बटन अच्छे प्रेस करदे ताकि आपको सब भिडर नोटिफिकेशन मिल जाव रही जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय।